पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, जो हमारे सौर्य मंडल का इकलौता नीला ग्रह है, वो आज से 4.5 से 5 बिलियन साल पहले स्पेस में महज एक डस्ट का क्लाउड हुआ करता था। जी हाँ, सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स का एक बड़ा सा बादल, जिसमें जमीन, पानी, हवा, इन सब का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन फिर बादल से लेके एक सॉलिड स्पीयर में ये आखिर तब्दील कैसे हुआ? क्यों काफी सारे वैज्ञानिक ये कहते हैं कि डस्ट के क्लाउड के बाद जो हमारा प्रोटो अर्थ, या फिर सिंपल भाषा में कहूं तो रॉ अर्थ बना था, वो हमारी आज की पृथ्वी से 4 गुना छोटा और लाल दहकते लावा से बना हुआ था। जब पृथ्वी इतनी छोटी थी तो फिर इसमें इतना सारा मास आखिर आया कहां से? और अगर उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ दहकता हुआ लावा ही था, तो फिर कैसे एक डस्ट का क्लाउड इतना गर्म हुआ, और कैसे फिर बाद में वो ठंडा हुआ, जिसकी बदौलत पृथ्वी पे पहला जीव पनप पाया? वेल, हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और आज हम यही सब जानने वाले हैं कि आखिर पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और आज जो आप देख पाते हो एक नीला हरा ग्रह, इसमें कैसे तब्दील हो पाया। In our today's video titled, How was the Earth formed? अब फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक तरह से अर्थ की बायोग्राफी पर नजर डालने वाले हैं, जो काफी यूनिक होने वाली है, क्योंकि शायद ये इकलौती ऐसी बायोग्राफी होगी जो किसी के पैदा होने के पहले की स्टोरी बयां करती है। वैसे अपने पृथ्वी की ये बायोग्राफी जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कैंट ने 1755 में अपनी बुक यूनिवर्सल नेचर हिस्ट्री एंड थियरी ऑफ द हेवन में लिखी थी। पर फिर इस बुक्स में पियर लैपलेस, जो कि एक फ्रेंच स्कॉलर थे, उन्होंने 1796 में कुछ चेंजेस लाए और फिर इनकी ये बुक आज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हाइपोथीसिस बन गई है, क्योंकि इस बायोग्राफी में इन्होंने सोलर न्यूक्लियर डिस्क मॉडल SNDM की मदद से अर्थ के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया है। ये एक ऐसी हाइपोथीसिस है जो क्लियरली सब कुछ बताती है कि कैसे हमारा सोलर सिस्टम एक डस्ट के क्लाउड से हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व होते होते एक डिस्क फॉर्म हुआ और फिर बाद में सॉलिडिफाई हुआ, और ये एक्सप्लेनेशन काफी लॉजिकल है। तो क्या बोलते हो, शुरू की जाए अर्थ की ये बायोग्राफी? सो SNDM मॉडल के मुताबिक आज से अराउंड 6 बिलियन साल पहले, जहां हमारा आज सोलर सिस्टम जिस जगह पे है, वहां बस एक बड़ा डस्ट और गैस का क्लाउड हुआ करता था, बादल। और आज हम ऐसे ही डस्ट और गैसेस के क्लाउड्स को टेक्निकली नेब्यूला कहते हैं। स्पेस में मौजूद ये नेब्यूला हम थे, मतलब एक तरह से आप इसे जन्नत के बादल कह सकते हो, क्योंकि इसी के थ्रू तो हम यूनिवर्स में पैर रखने वाले थे। ऐसे नेब्यूलास कई बिलियन ईयर्स में ब्लास्ट हो रहे स्टार्स और ब्लैक होल से निकले मैटर से बने होते हैं। तो जैसे जैसे हमारे इस नेब्यूला में अमाउंट ऑफ मैटर बढ़ता गया, वैसे वैसे इस नेब्यूला की ग्रेविटी भी बढ़ती चली गई और अपना नेब्यूला स्पेरिकल शेप में आने लगा, एक गोल शेप में। क्यों? क्योंकि हमारे पास आज एक इक्वेशन है ग्रेविटी का, विच इज g=gm/r2। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि ग्रेविटी और मार्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उस वक्त स्टार के ब्लास्ट्स और ब्लैक होल से निकले मैटर से अपने नेब्यूला में मैटर बढ़ते जा रहा था, यानी कि मास बढ़ रहा था। पर तभी इत्तेफाक कहो या फिर अपना नसीब कहो, हमारे नेब्यूला के नजदीक मौजूद एक बहुत बड़ा स्टार फट के सुपरनोवा में तब्दील हो गया। और मैंने यहाँ पर नसीब क्यों कहा पता है? क्योंकि ब्लास्ट से निकला हुआ शॉक वेव इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने अपने नेब्यूला के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ही कोलैप्स कर दिया और पूरे सिस्टम को एंगुलर मोमेंटम, मतलब रोटेशन वाला मोशन दे दिया। मतलब अब तक जो क्लाउड ऑलमोस्ट एक सर्कल जैसे शेप का था, वो एकदम से फ्लैट डिस्क जैसा बन गया, जिसमें कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं थी। सो अब जब कोई सेंट्रल ग्रेविटी ही नहीं थी सारे मैटर को पकड़ के रखने के लिए, तो नेब्यूला का सारा मैटर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे डिस्क में। जहां जहां मैटर काफी डेंस था, वहां वहां और भी ज्यादा मैटर गैदर होने लगा, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बढ़ना, यानी उसका मास बढ़ने से उस रीजन की ग्रेविटी भी बढ़ जाती है, और इसी ग्रेविटी की वजह से और मैटर जगह जगह पे गैदर होने की वजह से अपने नेब्यूलर डिस्क का सर्कमफ्रेंस सिकुड़ने लगा था। और छोटे सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है इंक्रीज इन एंगुलर मोमेंटम, मतलब जो रोटेशनल मोशन हमें मिला था वो और भी तेज हो गया। अब आई नो फ्रेंड्स, इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बाउंसर गए होंगे, बट आप वीडियो को पॉज करके वापस से एक बार गो थ्रू कर सकते हो, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, आजकल हर कोई सेविंग्स के बारे में सोचता है और मार्केट में काफी तरह की सेविंग्स भी है, पर फैक्ट तो ये भी है कि कुछ लोगों को इसका कोई आइडिया नहीं और फिगर आउट नहीं कर पाते कि सही सेविंग्स ऑप्शन क्या है। टुडे आई एम गोना टेल यू अबाउट द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट योर सेविंग्स इन गोल्ड। डाउनलोड सिपली ऐप।
इट इज एन एक्सीलेंट ऐप फॉर डिजिटल बैंकिंग एंड सेविंग्स इन डिजिटल गोल्ड। हम सभी ये जानते हैं कि गोल्ड हमेशा से एक एवरग्रीन सेविंग्स का सोर्स रहा है, एंड बाय सिंपली यू कैन सिंपली स्टार्ट बाय सेविंग इन डिजिटल गोल्ड फॉर एज लो एज 1 रुपी। जी हाँ फ्रेंड्स, केवल 1 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू। नॉट ओनली दिस, अब आप लाइव गोल्ड प्राइस पे गोल्ड खरीद सकते हो। एंड गाइस, सिंपली ऐप हैज डेली, वीकली एंड मंथली कॉन्टेस्ट्स थ्रू व्हिच यू आल्सो गेट अ चांस टू विन अप टू 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड फ्री एवरी मंथ बाय जस्ट स्टेइंग ऑन द टॉप ऑफ सेविंग्स लीडर बोर्ड। सिंपली ऐप 11 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो आज से ही आप अपनी मनपसंद लैंग्वेज चूज करके अपनी सेविंग्स की शुरुआत कर सकते हो। अब वेट कैसा, डाउनलोड करो सिंपली ऐप, गो एंड फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बट और इसे और बेहतर समझाने के लिए मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं। इस क्लिप को ध्यान से देखिए। जब उस लड़की ने अपने हाथ फैलाए तो उसका सर्कमफ्रेंस बढ़ गया, जिसकी वजह से हवा का रेजिस्टेंस भी बढ़ गया और उसका एंगुलर मोमेंटम, या सिंपल वर्ड्स में कहे जाए तो रोटेशनल स्पीड घट गई। पर जैसे ही उसने हाथ अंदर किया, उसका रेजिस्टेंस कम हो गया और रोटेशनल स्पीड इंक्रीज हो गई। इसे कहते हैं कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इस प्रिंसिपल को बैले डांसर्स काफी यूज करते हैं। अब अगर आपके दिमाग की बत्ती जल चुकी है कि कैसे डिस्क की स्पीड बढ़ी, तो चलिए वापस आते हैं हमारे स्टोरी पर। सो जैसे ही डस्ट क्लाउड से बनी ये डिस्क घूमने लगी, बिल्कुल किसी साइक्लोन की तरह उसके सेंटर में एक वॉर्टेक्स बनने लगा जो हर चीज को सेंटर की ओर खींच रहा था। इसे देखते ही देखते ज्यादातर मैटर सेंटर की ओर गैदर होने लगा। सेंटर में भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां का प्रेशर ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया। एंड एज वी ऑल नो, जो आई नो कुछ लोगों को नहीं पता होगा, पर फिर भी गे लुसैक्स लॉ कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी जब सेंटर में प्रेशर बढ़ा तब वहां का तापमान भी बढ़ गया, और जब इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर गैसेस और मैटर पर पड़ेगा तो भाई उन्हें आपस में रिएक्ट करने से पूरी कायनात भी नहीं रोक सकती है। इसीलिए जब हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के संपर्क में आए तब उनके बीच में न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ और हीलियम मॉलिक्यूल्स बनने लगे, और ये वही रिएक्शन है जो आज हमारे सन में हमें देखने मिलता है। यानी बेसिकली इतनी देर से ये इंटेंस प्रेशर, टेम्परेचर और न्यूक्लियर फ्यूजन एक्चुअली एक गर्म चिड़चिड़े बेबी सन को पैदा कर रहा था, और इसके पैदा होते इस बेबी सन का नाम रखा गया प्रोटोस्टार। और इस चिड़चिड़े प्रोटोस्टार का ख्याल रखने के लिए जो नैनी अपॉइंट की गई थी ना, उसका नाम था प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। यानी डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस और सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की एक ऐसी डिस्क जो उसके इर्द गिर्द घूम रही थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे सैटर्न प्लैनेट के अराउंड कैसे इर्द गिर्द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स एस्टेरॉइड्स घूमते रहते हैं। बस यही चीज, बस एक लार्ज स्केल पे। अब भाई लोग, इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में सिर्फ मेटल्स और सिलिकेट्स ही ऐसे सब्सटेंसेस थे जो बेबी सन के मूड स्विंग्स को झेल सकते थे, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, और इसीलिए वो ये बेबी सन के पास रहने लगे। और इवेंचुअली ग्रेविटी की वजह से उन्होंने अपने पास मौजूद मैटर को अट्रैक्ट किया और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स लाइक मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स बने। जो मॉलिक्यूल्स दिल से काफी सेंसिटिव थे वो प्लैनेटरी डिस्क में बेबी सन से दूर रहने लगे, पर इन नाजुक मॉलिक्यूल्स की तादाद मेटल्स और सिलिकेट से ज्यादा थी, इसीलिए वो बेबी सन से दूर गैस जायंट्स जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून बन गए। अब जब प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क की जायदाद में बंटवारा ऑलमोस्ट हो चुका था, बचे कुछ मॉलिक्यूल्स जिन्होंने अब तक डिसाइड नहीं किया था कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं, वो आज भी एस्ट्रॉइड्स के फॉर्म में भटकते रहते हैं अपने एस्ट्रॉइड बेल्ट, क्यूपर बेल्ट या फिर ऊंट क्लाउड्स में। वैसे हमने अब तक ये तो देखा कि मेजरली मेटल्स और सिलिकेट्स ने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बनाए, लेकिन क्या ये एकदम से हो गया? जी नहीं। फ्रॉम द टाइम व्हेन प्रोटोस्टार वाज बोर्न, तब से पहले छोटे छोटे रॉक्स बने जो एक दूसरे से हर वक्त टकराते रहते थे। इन्हीं कांस्टेंट टकरावों ने आगे चलकर 5 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को जन्म दिया। यस, 5 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। आई नो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गौरव भाई ने शायद गलती कर दी, पर खुश होने की जरूरत नहीं है, हम सही जा रहे हैं। पहले 5 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हुआ करते थे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स और थिया। यस, थिया मार्स से जो प्लैनेट 4 गुना ज्यादा बड़ा हुआ करता था, जो गलती से हमारे नवजात चांद जितने छोटे अर्थ से टकराया। टकराव इतना जबरदस्त था कि थिया के कुछ पार्ट और अर्थ वैसे तो फ्यूज होकर एक ही बड़ा सा प्लैनेट बन गए, पर उस कोलिजन के वक्त एक छोटा टुकड़ा बाहर उड़ गया। और जानते हो वो छोटा टुकड़ा आज के दौर में क्या है? अगर आप चांद सोच रहे हो तो यू गेस्ड इट राइट, आज वो हमारा चांद है। और इस कोलिजन को आज सब जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस या बिग स्प्लैश के नाम से जानते हैं। बिग स्प्लैश के बाद हमारा अर्थ अब 7.7 बिलियन लोगों के रहने जितना बड़ा हो गया था। पर एज यू नो, अंकल मैक्स ने कहा था, पीटर, बड़े साइज के साथ आती है बड़ी इंटेंस ग्रेविटी।
I know, ignore it. तो हुआ यूं कि इस बड़े प्लैनेट की बड़ी हुई ग्रेविटी ने आसपास के एस्ट्रॉइड्स को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। एस्ट्रॉइड्स जैसे बारिश की तरह पूरे पृथ्वी पर बरस रहे थे। उस वक्त पृथ्वी के पास तो कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं था जो इन एस्ट्रॉइड्स से उसे बचाता। और इस कई हजार सालों तक चलने वाले एस्ट्रॉइड बॉम्बार्डमेंट ने पूरे पृथ्वी को जैसे एक मोल्टन प्लैनेट बना दिया, राइट फ्रॉम टॉप लेयर टू द बॉटम। और क्यों? क्योंकि टकराव से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती और वो एनर्जी अर्थ को गर्म कर देती। और अब जरा सोचो कितने एस्ट्रॉइड्स पृथ्वी पर गिरे होंगे जिसने अर्थ को सॉलिड से लिक्विड मोल्टन लावा के स्टेट में बदल दिया था। और फिर जो हुआ था वो था छाटने वाला पार्ट। मतलब अब जब पूरी पृथ्वी काइंड ऑफ लिक्विड स्टेट की हो चुकी थी तो उसके वजह से जो हेवियर एंड डेंसर एलिमेंट्स थे वो सिंक हो गए और हल्के लेस डेंस मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ आने लगे। और इसीलिए आज हमारे अर्थ का पूरा मैटर अलग अलग लेयर्स के फॉर्म में दिखता है। मतलब इनर कोर, आउटर कोर, इनर मैंटल, आउटर मैंटल एंड क्रस्ट। इस पूरे प्रोसेस के दौरान उठ रहे गैसेस जो बेसिकली सबसे कम डेंस थे वो क्रस्ट से भी ऊपर उठे और उन्होंने बनाया हम जैसे जीवों को पनपने के लिए रिक्वायर्ड एनवायरमेंटल कंडीशन। यानी कि उन गैसेस ने मिलके बनाया अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर का एक शील्ड। पर ऐसी जलती हुई पृथ्वी और उसके टॉक्सिक फ्यूम से बना एटमॉस्फेयर अभी भी लाइफ को पालने लायक नहीं था, इसीलिए उसे कुछ और देर तक लाइफ की डिलीवरी को डिले करना पड़ा। कुछ अच्छे खासे सालों बाद जब स्पेस में एस्ट्रॉइड्स कम हुए और एस्ट्रॉइड बॉम्बार्डमेंट पूरी तरह से रुक गया और अर्थ का टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम होने लगा, तब लाइफ को पैदा होने का मौका मिल गया। पर ये हुआ कैसे? तो फ्रेंड्स, एटमॉस्फेयर में मौजूद सल्फेट्स, हाइड्रोकार्बन्स और अन्य गैसेस के रिएक्शंस ने पानी तो बना के रखा था, पर वो इंटेंस हीट की वजह से अब तक वेपर्स के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में ही फ्लोट हो रहा था। जब अपनी पृथ्वी अच्छे से पूरी तरह ठंडी हुई तब जाके उन वेपर्स को कंडेंस होने का मौका मिला और फाइनली घनन 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 करके घिर आई बरखा, जिसने सबसे पहले फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को जन्म दिया। और अब ये कैसे हुआ ये अलग गाथा है, अगर वो भी आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस की मदद से सल्फर कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स को डाइजेस्ट करके हवा में ऑक्सीजन को रिलीज करने लगे। धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में टॉक्सिक गैसेस कम हुए और ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ने लगा। बढ़े हुए ऑक्सीजन कंटेंट ने इवेंचुअली ओजोन यानी कि O3 की लेयर को बनाया। ये वैसे तो हमारे पृथ्वी के लिए एक अच्छी खबर थी, पर अब तक पल रहे फोटोसिंथेटिक ऑब्लिगेट एनएरोब्स जो ऑक्सीजन भर रहे थे हमारे एटमॉस्फेयर में, उनके लिए अच्छी खबर नहीं थी। वो ज्यादा ऑक्सीजन वाले एटमॉस्फेयर में जिंदा नहीं रह सकते थे क्योंकि ऑक्सीजन उनके लिए एक तरह से पॉइजन था। और इसीलिए ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो अब तक इस पृथ्वी को रहने लायक बना रहे थे वो चल बसे। पर इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो इस बदलते हुए एटमॉस्फेयर के साथ इवॉल्व हुए फ्रॉम प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया से आज के प्रेजेंट यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर क्रीचर्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इन सब में फ्रेंड्स एक चीज जो मुझे बहुत फनी लगी वो ये है कि ऑलमोस्ट 5 बिलियन ईयर्स लगे पृथ्वी को लाइफ पालने लायक बनाने के लिए और बस 5 दशकों में हमने उसे ना रहने लायक बना दिया। अब फ्रेंड्स, वैसे तो इस पूरे कहानी के दौरान हमने पृथ्वी के अब तक के सफर को समझने की कोशिश की, पर एक चीज जो मुझे काफी अटपटी लगी वो ये है कि अगर अर्थ के अंदर का मैटर डेंसिटीज के बेसिस पे लेयर्ड हुआ तो फिर सॉलिड मैंटल ऊपर और लिक्विड आउटर कोर नीचे क्यों? क्योंकि हम सब तो जानते हैं ना कि सॉलिड ज्यादा डेंस होता है और लिक्विड से। अब ऐसा क्यों हुआ ये हमें नीचे बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर आप फर्स्ट क्रीचर ऑन प्लैनेट से लेके ह्यूमंस कैसे जन्म ले पाए पृथ्वी में ये जानना चाहते हो तो ये वीडियो भी मैं आपके लिए बनाऊंगा, बस कमेंट सेक्शन में आवाज लगाओ। इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना फ्रेंड्स, और गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपकी क्यूरियोसिटी का प्यास बुझाते रहने वाला है और आपको नॉलेजेबल भी बनाएगा। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड keep growing. Jai Hind.